to request Subhash Chandra sir to please give a motivation. Of course, his presence itself is very motivational. So, round of applause for him, sir, please. उसका
as an ordinary celebration here. तो उससे अगली पीढ़ी भी करेगी ऐसा मेरा प्रयास है कभी वो बच्चे सबसे बड़ी बेटी जो है ग्रैंड डॉटर 13 साल की है 14 साल की तो मैं क्या अपब्रिंगिंग ऐसे कर रहे हैं कि वो भी करें तो देन ही आस्क्ड मी व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस तुमने जो तजुर्बा हासिल किया 50 साल बिजनेस करके उसको तो तुमने नहीं मांगा वो भी तुम्हारी कमाई है तो इस वजह से वो सोचते सोचते कि किस प्रकार से बांटा जाए इसलिए वो सुभाष चंद्र शो मैंने शुरू किया और उसमें दोस्तों और कुछ भी नहीं है केवल अपने मैं तजुर्बे ही शेयर करता हूँ इसके अलावा मुझे तो कोई मैनेजमेंट का जानना आता नहीं मैं क्लेम भी नहीं करता कि इस प्रकार से करोगे तो बहुत सक्सेसफुल हो गए मैं यही कहता हूँ कि मैं कैसे सक्सेसफुल हुआ कहाँ मुझे अड़चन आई तो मैंने क्या किया ये सब बातें करता हूँ उसको करने में अपनी जिंदगी को जब मैं पीछे देखता हूँ तो एक चीज निकल के बड़ी स्पष्ट आती है क्लियर कर कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी बहुत कम समय ऐसे आए होंगे जहां मैं डरा या घबरा गया हूं या चिंता में पड़ गया हूं या सोचने की शक्ति खो बैठा हूं ऐसा नहीं कि आए हैं ऐसे भी समय आए हैं जब आदमी बड़ा परेशान हो जाता है तो कभी कभी सोचने की शक्ति खो बैठता है उसके निर्णय ठीक नहीं होते लेकिन बहुत करके कभी हिम्मत नहीं हारी कभी ये नहीं सोचा कि हम फेल हो गए या हम सक्सेसफुल नहीं हो गए तो इसलिए मैं सबसे ये बार बार कहता हूं बार कि हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड इन योर एबिलिटी टू सक्सीड नेवर अलाउ योर सेल्फ टू थिंक दैट आई एम नॉट केपेबल हाउ कैन आई डू अरे मैं तो गांव से आया हूँ शिवपुर से आया हूँ धुरिया से आया हूँ छोटी सी जगह से आया मेरी मुंबई में कौन सुनेगा ये मत सोच सब सुनेंगे आपको अपनी बात को सुनाना है और आप में वो हिम्मत है आप में हौसला है उन्होंने लोगों को बुलाया वो आज एंटरप्रेन्योर आज भी महाराष्ट्र के हर गांव में खेड़े में मिल जाते एक समय था जब एंटरप्रेन्योर की कदर थी इज्जत थी और दोनों ही बातें हुई बिजनेसमैन ने भी थोड़ा हेरा फेरी गड़बड़ करके और करके अपना नाम खराब किया और कुछ व्यवस्था ने व्यवस्था क्योंकि करप्ट हो गई तो उन्होंने भी उस एंटरप्रेन्योर को गलत रूप से देखना शुरू कर दिया लेकिन मेरा ये मानना है यदि एंटरप्रेन्योर कमाए धन कमाना उसका धर्म है लेकिन उसको समाज के काम में बराबर देता भी रहे उसका कुछ हिस्सा तो ही भगवान बुद्ध ने यही कहा है तभी उसका धन कमाना पूरी तरह से सार्थक होगा अदरवाइज वो अधूरा काम है तो उन्होंने बुला करके सब किया तो मेरा आप लोगों से एक ही मेजर बात ये कहने की है कि अपने आप में भरोसा रखना ये सबसे बड़ी इनपुट है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कई बार आप किसी मंदिर में जाते हैं बड़ी परेशानी होती है वहां मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये काम कर दे भगवान तो मैं आके प्रसाद चढ़ाऊंगा या प्रसाद चढ़ाऊंगा करते हो मेरे और जब बाहर निकलते हो तो मन में भरोसा हो जाता है कि यार ये ऑल माइटी पावरफुल है भगवान इसको मैंने अपनी समस्या दे दी अब मेरा काम हो जाए आती है ऐसी भावना
जब ये आ जाती है कि मेरा काम अब हो जाएगा, तो वो विश्वास जो है आपका, वो आपके अंदर एक ताकत दे देता है। उसकी वजह से आप उस काम के पीछे और हिम्मत से लग जाते हैं और वो काम को कामयाब कर लेते हैं। भले श्रेय आप भगवान को दे दें, लेकिन वो हिम्मत जो मिली वहां से, उस हिम्मत के कारण से आपने उस अपने आप को कामयाब किया, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल। भले यही सोच ली। और दूसरी एक बात ये भी, हम विपश्यना जो करने वाले लोग हैं उनको समझ में आता है कि प्रेजेंट मोमेंट में यदि रहेंगे तो आपका एक्शन जो है वो बड़ा डायनेमिक होगा, सटीक होगा। अपना दिमाग अगर पीछे की बातों में जाएंगे, आगे की बातों में सोचेंगे, तो दिमाग गड़बड़ा जाएगा, ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो लिव इन द प्रेजेंट इज अनदर थ्योरी टू बी वेरी सक्सेसफुल इन द बिजनेस। सो क्या हुआ, एक तो अपना आप पर विश्वास, दूसरा तो लिव इन द प्रेजेंट। अगर ये दो चीजें कर लें तो कोई ताकत नहीं है कि आपको कितने भी आपका ऊंचा, कितना भी बड़ा ध्येय हो, टारगेट हो, जिसको आप अचीव ना कर। ये मेरा अपना तजुर्बा, ये मैंने अपने साथ देखा।